हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगल कलर की उभरी हुई डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो दिखने में जितनी सुंदर है बनाने में उतनी ही इजी भी है। ये डिजाइन टू फंदों में बनती है, इसलिए इस डिज़ाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो टू के मल्टीपल्स में डालेंगे और वन फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ मैंने 13 फंदे डाले हैं और दोनों साइड मैंने उल्टे उल्टे फंदों से बनाई है। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बिन लेंगे। दो फंदों की डिजाइन है, एक फंदा उल्टा बिन लेंगे, उन पीछे करेंगे। अब इन दो फंदों में डिजाइन डाली जाएगी। कैसे डालेंगे? ये दो फंदे हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पर सलाई डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे। सलाई पर एक बार ऊन लपेटेंगे, फिर इसी जगह से एक फंदा बना लेंगे सीधा, और इसके बाद जो ये फंदा पहला वाला है उसको सीधा बुन लेंगे। यानी एक फंदे से हमारे पास चार फंदे बन जाएंगे। फिर देखिए, दो फंदों की जो बुनाई है तो उन आगे करके पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और उसके बाद उनको पीछे करेंगे। अब इस दूसरे फंदे से बुनाई बनानी है, दूसरे और तीसरे के बीच में हम सिलाई डालेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, सिलाई पर ऊन लपेटेंगे, फिर इसी जगह से एक फंदा सीधा बुन लेंगे इसी गैप से, और उसके बाद इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह से एक फंदा हमारा उल्टा बन जाएगा और एक फंदे से हमारे चार फंदे हो जाएंगे, यानी कि तीन फंदे अधिक हो जाएंगे। फिर इसी तरह करेंगे, उन आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बिन लेंगे, एक फंदा हो गया। अब दूसरा फंदा बिनने के लिए उन पीछे करेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में जो गैप है वहाँ सिलाई डाल करके एक फंदा पहले बनाएंगे, फिर सिलाई पर ऊन लपेटेंगे, फिर इसी जगह एक फंदा बनाएंगे इसी जगह से, और उसके बाद इसी फंदे को, पहला वाला जो फंदा है इसको सीधा बुन लेंगे, एक फंदे से चार फंदे बना लेंगे। यानी कि दो फंदे पांच फंदे हो जाएंगे, एक फंदा उल्टा है और एक फंदे से चार फंदे, यानी कि दो फंदे से पांच फंदे हो जाएंगे। लास्ट में दो फंदे बचेंगे जिनमें से उनको आगे करके एक फंदा हम उल्टा बिन लेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अब हम सेकेंड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, फिर इसके बाद वाला फंदा हमें सीधा दिख रहा है इसलिए उनको पीछे ही रखेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब ये एक फंदे से जो चार फंदे बनाए हैं उसमें भी पहला फंदा हमें सीधा दिख रहा है, इसको हम सीधा बुन लेंगे, और उसके बाद उनको आगे करके ये एक फंदे से चार बने थे, इनमें तीन जो हमने एक साथ बनाए थे उन तीनों को स्लिप कर लेंगे, फिर उन पीछे करेंगे, एक फंदा जो उल्टा बनाया था वाला हम सीधा बुनेंगे, और एक से जो चार फंदे बनाए थे उनमें ये पहला वाला फंदा जो है ये हमें सीधा दिख रहा है, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा बनने के बाद उनको आगे करेंगे और इन तीन फंदों को हम स्लिप कर लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। दो फंदे सीधे बिनने हैं, ये एक और ये दो। एक फंदा तो उल्टा जो बिना था उसको सीधा बिना जाएगा, और दूसरा फंदा जो एक से चार फंदे बनाए गए हैं उनमें का पहला फंदा, उनको अपनी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे एक साथ स्लिप कर लेंगे और फिर उन पीछे करके दो फंदे सीधे बिनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। दो फंदे सीधे बनाने हैं, उनको अपनी तरफ करना है और तीन फंदे स्लिप करने हैं। अब हम डिजाइन की थर्ड रो पर हैं, जो कि राइट साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद उनको आगे करके पहला फंदा जो उनके उनको आगे करने के बाद पहला फंदा हम उल्टा बिन लेंगे, उनको पीछे करेंगे, और ये तीन फंदे जो तीन फंदे हैं इन तीनों फंदों को हम स्लिप कर लेंगे, उनको आगे करेंगे। इसके बाद हमने एक उल्टा फंदा बिना था, इस फंदे को उल्टा बिन लेंगे। पहले हमने उधर से सीधा बुना था, यहाँ हमें उल्टा दिखाई दे रहा है इसलिए उल्टा बिन लेंगे, उनको पीछे करेंगे, और ये तीनों फंदे इस फंदे के ऊपर से स्लिप कर देंगे। फिर ऐसे ही हम करेंगे, उन आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बनेंगे, उन पीछे करेंगे, तीनों फंदे स्लिप करेंगे, फिर उन आगे करके एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब जो तीन फंदे स्लिप करने के बाद उल्टा फंदा बिना है उसके ऊपर से इन तीनों फंदों को स्लिप कर देंगे इस तरह से। फिर हम एक फंदा उल्टा बिनेंगे, उनको पीछे करेंगे, तीन फंदे स्लिप करेंगे, उनको अपनी तरफ आगे करेंगे, ये फंदा उल्टा बिनेंगे। तीन फंदे स्लिप करने के बाद जो उल्टा फंदा बना है उनको पीछे करके उन तीनों फंदों को उसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। लास्ट में दो फंदे बचेंगे, उनको आगे करके एक फंदा उल्टा बिन लेंगे और दूसरा फंदा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमें थर्ड रो बनानी है। डिजाइन की फोर्थ रो जो कि बैक साइड से, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, इसके बाद उनको पीछे करेंगे,
एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से हमें पूरी रो बनानी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आती है, इस डिज़ाइन को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। पर एक बार मैं डिज़ाइन बना चुकी थी और दूसरी बार फोर रो बना करके मैंने डिज़ाइन बना ली है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचने में आप सभी का काफ़ी सहयोग रहा है, आप सभी ने भरपूर प्यार दिया है और मैं चाहती हूँ कि आपका प्यार और सहयोग इसी तरह से बना रहे और मैं रोज़ आपके लिए एक नई और अच्छी डिज़ाइन लेकर के आ सकूँ। तो फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।